सब लोग उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमारे इंक्यूबेटर में अंडे में से चूजे निकलना शुरू हो चुके हैं। अभी इसमें इतने अंडे हो रहे हैं और देखिए चूजे बाहर आ गए हैं, वो दिखाता हूँ। चूजे ये रहे, टोटल अभी 7 चूजे निकले। ये एक का पैर वैसे ही लग रहा है जैसे हमारे पहले निकले थे, और बाकी 7 चूजे टोटल हैंगे ये रहे। निकले बाकी अंडे से निकलने के बाद ये इंक्यूबेटर हमारा ख़राब भी हो गया था, लेकिन अब मैंने इसको सही कर लिया है। हुआ ये था कि इसमें यहाँ पर फॉल्ट हो गया था जिससे तार निकल गया, और उसके वजह से ये हमारा जो इसका अडप्टर था ये फ्यूज़ हो गया था। ये देखिए यहाँ पर निशान दिख रहा है आपको, ये पूरा फ्यूज़ हो गया था, तो ये मैंने नया ला कर डाला है ये देखिए। और अब इंक्यूबेटर हमारा चल भी रहा है सही साथ, टेम्परेचर भी है। ये मैंने नया डाला है, ये भी ख़राब हो गया था और वहाँ से भी मैंने तार सही कर दिया है, अब ये चल रहा है। लेकिन अब मेरे को नहीं लगता कि इसमें से ये और अंडों में चूजे निकलेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बस वो 7 चूजे निकले थे। जब से ना कोई अंडे पे क्रैक है ना ही कोई आवाज़ आवाज़ आ रही है अंडे में से, और तो मैंने अब ये सोचा है कि हम इसमें और अंडे रखेंगे। लेकिन अब हम ये हमारी जो रोटेटिंग वाली जाली है ट्रे है, इसके बिना अंडे रखेंगे, क्योंकि उस पर अब हम हाथ से घुमाएंगे अंडों को, क्योंकि इसमें ये जो रोटेटिंग की मोटर है ये इस बल्ब के साथ ही अटैच है हमारा, तो ये जब बल्ब चलता है तो ये रोटेटिंग होती है। लेकिन अभी गर्मी बहुत है, इस वजह से बल्ब चल नहीं रहा है, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इतना ही है जैसा कि अभी भी आप देख सकते हैं। मैंने ढक्कन हटा रखा है फिर भी इसका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है। ये देखिए अब हुआ थोड़ा बहुत, क्योंकि अब हवाएँ चल रही हैं थोड़ी, तो इसलिए बहुत कम रोटेटिंग हो रही है, इस वजह से इतने सारे अंडे ख़राब हो गए मेरे को लगता है। और अब हम इसमें नए अंडे रखेंगे थोड़े बहुत, और इनको भी अभी कल तक रखूँगा मैं, इनको थोड़ा साइड में कर देते हैं, बाकी और इधर हम नए अंडे रखते हैं। तो पहले मैं बाहर की ये सब सफाई कर लेता हूँ, ये सब सामान पड़ा है ना, अभी इसमें काम कर रहा था तो ये हटा देता हूँ, और ये अंदर के जो छिलके पड़े हैं अंडों के इन्हें भी हटा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मैंने अंदर से भी सारे छिलके निकाल दिए हैं, और बाहर भी जितना फालतू का कचरा हो जाता वो भी हटा दिया है, और बस ये अंडे की छिलके बचे हैं इनको भी हटा दूँगा। और मैंने यहाँ थर्मामीटर लगाया है इधर का टेम्परेचर चेक करने के लिए इस साइड, और फेंक देता हूँ, और हम अंडे लाएँगे और अंडे इसमें रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मैं अंडे भी ले आया हूँ, अब इनमें हम तारीख डालते हैं ताकि अपने को पता चलता रहे कौन से किस तारीख को निकलेंगे, इसलिए अपने हिसाब पर तारीख डाल देता हूँ मैं, और फिर हम इनको अंडे इनक्यूबेटर में रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, सब पर तारीख डाल दी हमने, आज है 22 अप्रैल, तो मैंने आज इस पर सब पर डाल दिया 22 अप्रैल, हम इनको अंदर रखेंगे इनक्यूबेटर में। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मैंने इसमें अंडे रख दिए, अभी ये अंडे हैं 10, टोटल 10 अंडे मैंने रखे हैं इसमें, और हम अब इसमें धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने रोटेटिंग ट्रे नहीं लगी है, तो हम अपने हाथ से इनको दिन में तीन टाइम इसको रोटेट करेंगे हाथ से, और इसमें हम दूसरे और अंडे भी रख जाएंगे, और इन्हें कल हटा दूँगा मैं, क्योंकि इनमें से मेरे को नहीं लगता कि अब कोई चूज़ा निकलेगा। कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर इस वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।